जब तक हूँ हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। When diet is wrong, medicine is of no use. And when diet is right, medicine is of no need. यह एक पुरातन आयुर्वेद की कहावत है। आज हम साथियों इसी कहावत के संदर्भ में आपसे आयुर्वेदिक फूड्स की चर्चा करने आए हैं, आयुर्वेदिक भोजन की चर्चा करने आए हैं। वह सुपर फूड्स जो न्यूट्रिशन डेंस हैं, यानी थोड़ा सा भी उन पदार्थों को लेने से आपके शरीर में पोषण बहुत अधिक होता है। आज हम साथियों समाज हित में अपने जीवन को सरल, सुगम और सक्षम बनाने के लिए यह आयुर्वेदिक फूड्स आपके बीच लेकर आए हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज साथियों मैं बताऊंगा, मैं होम्योपैथ हूं, लेकिन मैंने जो छोटा मोटा अध्ययन करा है आपको बताऊंगा आयुर्वेदिक सुपर फूड्स के विषय में। साथियों आयुर्वेदिक सुपर फूड्स ऐसे पदार्थ, खाने के पदार्थ साथियों जो कि न्यूट्रिशन डेंस होते हैं, जिनको कि आप थोड़ा सा खाते हैं लेकिन उसकी चोट गंभीर होती है, आपके शरीर में वो जो है अंदर तक समा जाते हैं और न्यूट्रिशन करते हैं। ऐसे फूड्स जो इस प्रकार के हों कि थोड़ा सा खाने पर भी आपके शरीर को भरपूर न्यूट्रिशन दें, जो डेंस हों, न्यूट्रिशन डेंस हों, उनको ही आयुर्वेदिक सुपर फूड्स कहते हैं। आज हम साथियों बताएंगे आपको भोजन में शामिल करने वाली 5 ऐसी चीज़ें जो आयुर्वेदिक सुपर फूड्स के रूप में काम करेगी और आपको रिजुविनेट करेगी, आप में नई शक्ति का संचार करेगी और आपके जाने अनजाने शरीर के न्यूट्रिशन में होने वाली कमी को पूरा करेगी। साथियों एक कहावत है साथियों, आयुर्वेद की एक बहुत मशहूर कहावत है, When food is wrong, medicine is of no use. And when food is right, nutrition is right, medicine is of no need. तो साथियों दवा की जरूरत ना पड़े, दवा से बचें, ऐसा मैं आपके लिए 5 चीजें लेकर आया हूं। तो साथियों चलते हैं उस श्रृंखला में, 5 न्यूट्रिशन डेंस रिजुविनेटिंग फूड्स के विषय में हम लोग आज बात करते हैं। पहला फूड साथियों जो सुपर फूड है, आयुर्वेदिक सुपर फूड जिसे कहा जाता है, वह है अमला काटी। अमला काटी यानी आमला। आमला जो है इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो अगर हम लोग आमले का रोज एक सेवन करते हैं तो हमारी स्किन चमकदार रहेगी, हमें विटामिन सी की कोई शरीर में कमी नहीं रहेगी, कोई ज़रूरत नहीं रहेगी और हम लोग जो है वह उससे आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा फूड साथियों, वी फॉर विक्ट्री, और ये 2 नंबर भी बताता है। दूसरा फूड है साथियों अश्वगंधा। अश्वगंधा विश्व के हनी के साथ मेल करें तो सर्वाधिक एडेप्टोजन फूड है, यानी कि जिस चीज के साथ उसको मिला के सेवन करा जाता है, जिस पदार्थ के साथ, वो उसी के इफेक्ट को दोगुना कर देता है। तो स्वयं भी अकेले में अश्वगंधा लेते हैं तो शरीर का आपका पूरा मैकेनिज्म बहुत तेज हो जाता है। तीसरी सुपर फूड साथियों, विश्व का तीसरा सबसे मजबूत सर्वाधिक फूड है टर्मरिक, हल्दी। यह फूड नहीं है लेकिन यह हर्ब अवश्य है साथियों।
इस पूरे संसार ने माना है कि कैंसर को रोकने का सर्वाधिक अच्छा माध्यम हल्दी है, जिसमें कि कुकुरमिन कंपाउंड पाया जाता है। तो हल्दी का सेवन हम लोगों को रोज करना है अपने भोजन में, और अगर नीम और हल्दी को मिला के उसका रोज सुबह एक चम्मच ले लिया जाए तो फिर कहने ही क्या। चौथा साथियों जो सर्वाधिक पावरफुल सुपर फूड है वह है मोरिंगा। मोरिंगा की पत्तियों के सेवन से आपके शरीर में जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स की न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। मोरिंगा के विषय में मैंने एक वीडियो डाला है, पोस्ट करा है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। वह वीडियो थोड़ा विस्तार से मोरिंगा की चर्चा करता है, लेकिन ये तथ्य सही है कि आयुर्वेदिक उसमें विश्व का एक सर्वाधिक स्ट्रांग फूड्स में से है मोरिंगा। पांचवा आयुर्वेदिक फूड साथियों, या हाथ पांच भी बता रहे हैं और ये आपके लिए आशीर्वाद भी है। हमारे छोटे जो हमें देख रहे हैं उनके लिए मेरा आशीर्वाद है, और जो बड़े हमसे देख रहे हैं वीडियो उनके आशीर्वाद का मैं प्रार्थी हूँ। तो पांचवा साथियों सुपर फूड है जिंजर यानी अदरक। अदरक साथियों इम्यूनिटी बूस्टर है। अदरक के सेवन से इम्यूनिटी शरीर की मजबूत होती है, और अगर इम्यूनिटी मजबूत होती है तो फिर आप बीमार ही कम पड़ेंगे। तो इस प्रकार से साथियों यह पांच फूड हैं जो सुपर फूड हैं, आयुर्वेदिक सुपर फूड है साथियों। इनका सेवन साथियों आप करिए, आप रोज इनका सेवन करिए, आप अपने में एक महीने में परिवर्तन पाएंगे, अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी में आप परिवर्तन पाएंगे साथियों। और साथियों एक बोनस फूड भी मैं बताना चाहता हूँ, पांच का मैंने वादा करा, मैंने बता दिया इस वीडियो में, एक और मैं बताना चाहूँगा, और वह सुपर फूड है साथियों हनी। हनी यानी शहद। शहद एक ऐसा कंपाउंड है साथियों जो मानव के खून से सबसे ज़्यादा मेल खाती है। उसकी कंपोजिशन, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोजिशन हनी से, शहद से सबसे ज़्यादा इस संसार में मेल खाती है। तो यह एक एडेप्टोजेन भी है, यह सिनर्जिक रूप से हमारे ब्लड के संचार और बॉडी को ठीक करता है। तो एक चम्मच शहद का सेवन भी यदि आप डायबिटिक नहीं है तो कर सकते हैं। ये साथियों पांच सुपर फूड थे। सारा बात इंपॉर्टेंट है साथियों, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं होम्योपैथ हूं, मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं हूं, मैं एक समान नागरिक हूं। तो जैसे सब लोग पढ़ते हैं मैं भी किताबें पढ़ता रहता हूं, तो उसी से मैं जानकारी आपके लिए लाया हूं। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो वो आयुर्वेदाचार्य के प्रिस्क्रिप्शन या उनसे पूछने के बाद, जानकार जो उस फील्ड के जानकार मैं नहीं हूँ वो जो हों उनसे पूछ के सेवन करें। लेकिन आम तौर पर ये चीज़ें बहुत अच्छी मानी जाती हैं और आप इनको ले सकते हैं। वीडियो साथियों आपको कैसा लगा आयुर्वेदिक सुपर फूड्स का, हमें कमेंट पोर्शन में अवश्य लिखिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। परेशानी बीमारियों और महंगाई के दौर में साथियों इस वीडियो को अगर आप बेहतर मानते हैं तो वीडियो को जन जन तक, घर घर तक, फोन फोन तक हमारे पहुंचाने में मदद करिए। इस वीडियो को शेयर करिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।